परम शांति। आप सभी का बापूजी के चैनल पर स्वागत है। आज हम सक्सेसफुल लाइफ और आत्मज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। आप हमें बताइए, सक्सेसफुल लाइफ और आत्मज्ञान में क्या इम्पोर्टेंट है? परम शांति, देखिए दोनों ही चीज की आज के समय में इम्पोर्टेंट है, सक्सेसफुल लाइफ और आत्मज्ञान दोनों की। लेकिन हमें किसके ऊपर ज्यादा भार देना है ये हमें समझना होगा। वैसे तो बैलेंस करके जीवन जीने की बात बताई गई है, बापूजी ने हमेशा से कहा है। तो हम भी पढ़े लिखे हैं, हमने भी सक्सेसफुल होने के लिए पढ़ाई की है, उसके ऊपर अपना काम किया है जो प्रैक्टिकल जीवन में हर व्यक्ति करता है, जॉब ड्यूटी अपना। पर इसके आगे हमें जब हम सक्सेस की ओर और बढ़ते हैं तो हमें साथ के साथ हमें बचपन से ये ज्ञान बापूजी हमने बताया कि हमें आत्मज्ञान की ओर जाना है, अपने आप को जानना है, पहचानना है, दुनिया को बदलना है। और इसी के कारण जो है बचपन से ही ये हमारे अंदर एक रिकॉर्डिंग आता गया कि हमें हमें दुनिया को बदलना है, हमें अपने आप को जानना है। सक्सेसफुल जीवन के साथ साथ आत्मज्ञान बहुत ज़्यादा जरूरी है। और कई जगह हमने देखा है कि कई बार बहुत सक्सेस मिलने के बाद जो व्यक्ति है वो आत्मज्ञान की ओर जाता है। और आपने देखा होगा कि कई बड़े बड़े करोड़पति लोग भी संन्यास का मार्ग लेते हैं, और उसका कारण यही है कि आत्मा लास्ट में अपने मोक्ष की ओर जाना चाहती है, सत्यता की ओर जाना चाहती है, परमात्मा की ओर जाना चाहती है। पर रियलिटी में अगर जब तक हम वो उस आत्मज्ञान को हम महसूस ना कर पाए, उस आत्मज्ञान तक पहुंच ना जाए, तब तक हमें जीवन को बैलेंस करके चलना चाहिए और आत्मज्ञान की ओर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि आत्मज्ञान को पाने के लिए हमने जीवन पर जीवंत कितने जीवन लिए हैं, और आत्मज्ञान को ही ढूंढते ढूंढते बार बार हमें मनुष्य जन्म में भेजा गया है। तो ये मेरे ख्याल से आत्मज्ञान के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आत्मज्ञान घर बार छोड़ना है या इच्छाओं का त्याग करना है? देखिए सबसे बड़ा त्याग है इच्छाओं का त्याग, क्योंकि इच्छा अनंत है, इनफाइनाइट है। जितना आगे जीवन में बढ़ते जाओ रोज एक नई इच्छा, एक पूरी हुई दूसरी चालू होगी, एक खत्म हुई एक को पाया उसके आगे दूसरी आएगी, छोटी गाड़ी ली उसके आगे बड़ी गाड़ी आएगी। तो ये इच्छाएं खत्म ही नहीं होती इंसान की, इवन मृत्यु के अंत तक इच्छाएं जो है वो पीछा नहीं छोड़ती। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा है वैर द्वेष और वासना, इन तीनों चीजों को मृत्यु से पहले छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही जो है वो पुनर्जन्म का कारण बनती है और इसी वो आत्मज्ञान को नष्ट करती है। तो इच्छाओं का त्याग सबसे बड़ी बात है। जी आप तो क्यों सक्सेसफुल होने के बाद भी इंसान आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर जाता है? जैसे कि आपने कहा कि जो एक बहुत रिच इंसान होता है वो भी अंत में मोक्ष की तरफ जाने के लिए आत्मज्ञान पाने की कोशिश करता है। सही बात है। मैंने ये यहाँ एक और बात ऐड करना चाहूंगा, चाहे बड़ा बड़ा इंसान हो, छोटा इंसान हो, पैसे वाला हो, गरीब हो, या कोई भी स्तर का व्यक्ति हो, अल्टीमेटली जब उसके जीवन का, क्योंकि इच्छाओं का धीरे 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 जैसे जैसे शरीर की एज बढ़ती है, हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, जीवन देखने का तरीका बदलता है, जीवन जीने का तरीका बदलता है, हम दुनिया को एक अलग दृष्टि से देखना शुरू करते हैं, अध्यात्म की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, तो हमारी इच्छाएं ऑटोमेटिकली ही धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। और अल्टीमेटली होता क्या है कि व्यक्ति को मृत्यु से पहले ज्यादातर लोगों को ये पता चल जाता है कि पुनर्जन्म भी होता है, मोक्ष भी होता है, आत्मा अपने आप का भी अनुभूति उसको होने लगती है। क्योंकि जिस इच्छाओं की प्राप्ति के लिए, जिस सक्सेसफुल लाइफ को पाने के लिए उसने पूरी जिंदगी पुरुषार्थ किया, कहीं ना कहीं अंत समय में उसको वो बेकार लगती है, क्योंकि लास्ट में तो सबको पता है यहाँ से कोई कुछ लेके नहीं जा सकता। तो मैं ये मानता हूँ कि सक्सेसफुल से लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है आत्मज्ञान। अब बताइए जी, आपने ये बात तो कही, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सक्सेसफुल होने के बावजूद भी इंसान के अंदर इच्छाएं खत्म नहीं होती, मतलब उसकी इच्छाएं की जो एक अंत होना चाहिए वो कभी भी सक्सेसफुल पर्सन का खत्म नहीं होता है, तो उसका वो खत्म कैसे कर सकता है? देखिए बहुत अच्छी बात आपने कही, जैसे हमारे कृष्ण भगवान ने भी गीता में अर्जुन को कहा कि इच्छाओं की नदियों में मत बहो अर्जुन, कामनाएं जो है वो अनंत है, तो अपनी कामनाओं को समेटो, अपनी इच्छाओं को समेटो। और ये पॉसिबल है, ये तभी हो सकता है जब हमें आत्मज्ञान हो जाए।
हम कोई भी चीज, आज हम गाड़ी भी लेते हैं तो गाड़ी का एक आयुष्य होता है, आज की डेट में अगर गाड़ी लेते हैं तो 15 साल का आयुष्य है उसका, हर चीज की एक एक्सपायरी डेट है। तो जैसे जैसे आत्मज्ञान बढ़ता है तो हमें पता चलता है कि सदा काल चलने वाला कुछ नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है। कोई भी सुख हम अपनी सक्सेसफुल लाइफ से जो भी पैसे कमाएंगे उससे हमें दौलत शौहरत जो भी हमें मिलेगा ये सब टेम्पररी है। तो ये जब हमें पता चल जाता है कि कोई भी चीज से अगर पर्दा उठ जाता है तो उस चीज से हमारे हमारे अंदर से वो जो चाहत थी वो खत्म हो जाती है। तो चाहत तभी खत्म हो जाती है जब उसका रियल स्वरूप हमें पता चल जाए कि ओहो हम जिसके पीछे थे उसमें तो कुछ दम ही नहीं है। लेकिन होता यह है कि तब तक वो समय निकल जाता है। तो आत्मज्ञान से जो है हमें वो बहुत पहले पता चल जाता है कि ये चीजों का कोई वास्तविकता जीवन में इतनी नहीं है जितनी हम उसकी समझते हैं। अब इंसान जब इस मटीरियलिस्टिक भौतिक दुनिया में जब करता है तो सक्सेस पाने के लिए मतलब उसका एक भाग्य बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। right. तो अभी आत्मज्ञान करने के लिए पाने के लिए तो इंसान को जन्मों जन्मों का पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो इसमें इंसान को कौन सा रास्ता और कैसे अपनाना चाहिए, उस तरफ कैसे अग्रसर होना चाहिए? देखिए आपने बिल्कुल सही बात बोली कि कई बार सक्सेस भाग्य से मिल जाती है कि पुरुषार्थ भी उसमें इम्पोर्टेंट है लेकिन भाग्य इसमें कहीं ना कहीं कार्य करता है। हमने कई बार देखा है कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, कोई पहले अटेम्प्ट में पास कर लेता है, क्लियर करता है, कोई किसी को 5 अटेम्प्ट लगते हैं। और कई बार क्या होता है कि कई बार ऐसे घर में जन्म हो जाता है वहाँ भाग्य से ही सब कुछ मिल जाता है, उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही अपने यंगस्टर्स में ही वो अपना बिजनेस संभालना शुरू करता है और बड़े पद पर पहुँच जाता है। तो वहां पे उसका पुरुषार्थ का जो काम है वो कम रहता है। लेकिन आत्मज्ञान में ऐसा नहीं होता। आत्मज्ञान के लिए तो कंपलसरी हर आत्मा को स्वपरिवर्तन का पुरुषार्थ करना पड़ता है। अब स्वपरिवर्तन का पुरुषार्थ माने क्या कि पहले तो हर चीज की हमें पता उसकी उसकी रियल वैल्यू क्या है हमें पता चलनी चाहिए। जैसे हम ज्ञान सुनते हैं तो भगवद गीता सुनने के बाद उसकी उसकी वैल्यू क्या है, जीवन में उसकी उसकी उपयोगिता क्या है, उससे हमारे जीवन में क्या फायदा हो सकता है, हमारा डिसीजन मेकिंग में वो कैसे हेल्प कर सकती है। तो ये चीजें मटेरियल नहीं है, ये चीजें जो है वो ये सब अध्यात्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, इसको भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है। जब हम आध्यात्मिक जगत से जुड़ते हैं, जब हम आत्मज्ञान के द्वारा जब हम रियल अपनी आइडेंटिटी हमारे जो क्रिएटर परमात्मा उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, जब उनसे हमारा कनेक्शन होता है, चाहे हम उसको कोई भी लेवल का कह सकते हैं कि हमने शुरुआत की, पहला स्टेप उठाया, तब से लेके आखिरी स्टेप तक हम परमात्मा की खोज में, उसकी सोच में, उसकी उसके बारे में हम जब सोचते रहते तो कहीं ना कहीं हम उनसे जुड़ते हैं और वो हमारे अंदर पावर आती है और हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है। तब हमारी हमारा जो हम रियल जो रियल सेंस मतलब हम कौन है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, उसका हमें आत्मज्ञान होता है पहले तो। और ये आत्मज्ञान होने के कारण धीरे 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 हमारी आत्मा के ऊपर से कट उतरती है, माने पूर्व जन्मों के जो माया का पर्दा जो पूरे वायुमंडल में फैला हुआ है उसको हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये माया है और ये मिथ्या है और ये माया किसी की नहीं होती और ये जगत मिथ्या है, हमें धीरे 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 समझ में आता है। तो इसीलिए जो है आत्मज्ञान को एक जन्म में प्राप्त होना, क्योंकि गुरु तुम्हें जब अच्छा मिलेगा, जब वो तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान सुनाएगा, सत्य हकीकत लोगों के कैरेक्टर समझाएगा कि ये लोगों ने धरती पे आके ऐसा ऐसा जीवन जिया है, जीवन को दुनिया को बदलने का काम किया है, तब जाके जो है हमें ये पता चलता है कि जीवन वाकई में बदल सकता है और ये लंबे लंबे समय का पुरुषार्थ है। कोई भी आत्मज्ञानी 1 साल में 2 साल में 5 साल में नहीं बन सकता, हो सकता है इसको 1 जन्म लगे, किसी को 5 जन्म लगे, किसी को 10 जन्म लगे, क्योंकि यहाँ पे काम क्रोध लोभ को अहंकार ये सभी विकारों पे जीत पाने का काम है, ये जीत करने का नाम है आत्मज्ञान। तो धीरे धीरे ये होता है जीवन में, क्योंकि हम हो सकता है कि एक पड़ाव में पहुंच जाए, हमने काम को उससे ऊपर उठ गए, क्रोध से ऊपर उठ गए, मोह से ऊपर उठ गए, लेकिन कहीं ना कहीं हम वायुमंडल में जाते हैं, वहां से हमें फिर से वो पकड़ते हैं और ये प्रोसेस जो चलती रहती है। अब जी जी अभी मैं आपसे एक और पूछना चाहूंगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वापस अपने उसी सवाल पे आती हूँ कि सक्सेसफुल लाइफ इम्पोर्टेंट है या आत्मज्ञान।
आत्मज्ञान जो है वो हमारे पास मृत्यु के बाद भी काम आता है, या सक्सेसफुल लाइफ जो हम भौतिक दुनिया में प्राप्त करते हैं, जो सक्सेस प्राप्त करते हैं, क्या वो हमारे काम आता है मृत्यु के बाद? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि सक्सेसफुल लाइफ माने जो भी सक्सेस हमने प्राप्त की तो ये जीवन के अंत तक की है। ये शरीर रहेगा तब तक मेरी डिग्री चलने वाली है, शरीर खत्म डिग्री भी खत्म, इवन नाम भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आत्मज्ञान जो है, जहां तक का हमने अध्यात्म का जो पुरुषार्थ किया है, हमारी आत्मा के अंदर जो ज्ञान हमारे अंदर उतरा है, वो ज्ञान हमारे नेक्स्ट बर्थ में हमारे आत्मा के साथ जाने वाला है, क्योंकि वो हमारे सूक्ष्म शरीर को सूक्ष्म शरीर में रिकॉर्ड होता है, हमारे कारण शरीर को चार्ज करता है, हमारे कारण शरीर में भी वो विद्यमान रहता है। तो जब हमारा नेक्स्ट जन्म होता है तो बचपन से ही हमारे अंदर वो संस्कार होते हैं, जहां से जर्नी खत्म हुई वहां से वो कंटिन्यू होती है। तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जब तक हम परमात्मा तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये हमारी मदद करती रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आत्मज्ञान है वो हमारे सूक्ष्म और कारण, और जैसे बापूजी ने कारण सूक्ष्म महाकारण शरीर के बारे में बताया है, तो क्या उसमें उसकी रिकॉर्डिंग रहती है नहीं रहती, मतलब मरने के बाद? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सच कही है कि ज्ञान तो आत्मा में रिकॉर्डेड हो ही जाता है, क्योंकि हम जो जर्नी करके आए हैं बेहद के परम धाम से, तो हर ज्ञान जो चीज हमने वहां देखी है सूक्ष्म दुनिया में, उसका भास कहीं ना कहीं हमें इस स्थूल दुनिया में भी होता रहता है। और ये जर्नी आत्मा में रिकॉर्डिंग होती है, आत्मज्ञान भी अंदर होता है, क्योंकि जब हमारे अंदर कितने बिलियंस ऑफ ईयर से जो जर्नी करते आए हैं, तो ये सभी चीज मन बुद्धि और संस्कारों के अंदर रिकॉर्डिंग होती ही रहती है। तो वो समय पे क्या होता है कि जैसे हमने नया जन्म लिया तो हम उसको टेम्पररी भूल जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आत्मज्ञान के प्रति हमारी और जर्नी आगे बढ़ती है, हम ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे वो संस्कार उजागर हो जाते हैं, वही आत्मज्ञान वापिस आने लग जाता है और हमें वो विजन क्लियर हो जाता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। अभी जब हमें अक्सर पाया जाता है कि जो आजकल बहुत बड़े सक्सेसफुल लोग हैं वो लोग सोशल सर्विसेज बहुत करते हैं, मतलब अच्छे काम करते हैं, धर्म के काम करते हैं, ऑर्फनेजेस में भी अच्छे काम करते हैं, लोगों को धन देते हैं, उनकी सुविधा की चीज़ें उनको प्राप्त कराते हैं। तो सक्सेसफुल लोग भी अच्छे, अभी आजकल अच्छे कर्मों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कर्मों का ज्ञान सबको है कि अच्छा करोगे तो अगले जन्म अच्छा पाओगे। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या इस जन्म का किया हुआ अच्छा कर्म अगर आगे फलित भूत होता है उनको, तो आत्मज्ञान उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, या ये सोशल सर्विस करे और उससे अपना कर्म अच्छा सुधारे वो इम्पोर्टेंट रहेगा? देखिए बहुत बढ़िया बात। अब देखिए कोई भी कर्म पहले तो कभी वेस्ट नहीं जाता, ठीक, जो किया है जो सेंस से जो भाव से किया है उसका रिटर्न उसी भाव से आपको वापस मिलने वाला है, ये तो पक्की बात है। अब बात रही कि कैरी फॉरवर्ड क्या होगा, ये जो चीज हमने जैसे कंबल किसी को बांटा है तो हमारे जीवन में ये जन्म में नहीं तो अगले जीवन में कहीं ना कहीं गिफ्ट के तौर पे कंबल फिर मिलने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज दी है, जो चीज हमने सेवा की है, तो ये चीज हमें इन रिटर्न मिलने वाला है। तो आत्मज्ञान भी ऐसा है कि जितना आपने ज्ञान को बांटा है, ज्ञान दान महादान बाबू जी हमेशा से कहते आए हैं, तो वो ज्ञान दान से जो परिवर्तन सृष्टि में आता है, आत्माओं के अंदर आता है, उनके पॉजिटिव संकल्प हमें कहीं ना कहीं जो दुआएं हैं वो हमारे जीवन में आगे हमें बहुत काम आती है, और ये कैरी फॉरवर्ड होता ही रहता है और ये मल्टीपल तरीके से आगे बढ़ता है। जी जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आत्मज्ञान हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आत्मज्ञान से हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है, और सक्सेसफुल जीवन जीते हुए जो इंसान अच्छे कर्मों में जाता है वो इस भौतिक दुनिया के ही सुख दुख भोगने के लिए उसके जन्म और मरण के चक्र से नहीं छूटता, ये कह सकते हैं हम कि वो जन्म मरण के चक्र से नहीं छूटता, लेकिन आत्मज्ञान से वो जन्म और मरण के चक्र से छूट सकता है। ये छूट सकता है, लेकिन उस समय उसकी आत्मा की गति के ऊपर डिपेंड है कि अगर वो फिर से विश्व कल्याण के लिए धरती पे आना चाहे तो वो वापिस अपने अपनी इच्छा से आ सकता है। बाकी आत्मज्ञान होने के बाद और जब हम उस अवस्था में हमें पता चल जाता है कि हमें वापिस बेहद के परम धाम में जाना है, और वो शक्ति के साथ वो ज्ञान हमारे अंदर जब आ जाता है, तब हमें फ्री विल के माध्यम से हम वापिस चाहें तो हम अपने बेहद के परम धाम जा सकते हैं। लेकिन जैसे बाबूजी ने बताया हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन के वीडियो में कि जब शिव भी
क्यों जीव बन के आता है, क्योंकि उसकी रचना जब धरती पे आ जाती है और उनके उनके बच्चों को बचाने के लिए शिव को भी धरती पे कहीं ना कहीं अपने अवतार भेजने पड़ते हैं। विष्णु के 28 अवतार, शिव के 24 अवतार जो हुए वो कहीं ना कहीं इसी कारण हुए हैं कि उनके जो आत्माएं धरती लोक पे आ गई, मनुष्य बन गए, उन सबको इस मनुष्य सृष्टि को बचाने के लिए कहीं ना कहीं उनको अपने अवतार भी भेजने पड़ते हैं। और राम और कृष्ण की तरह स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी को भी धरती पे आना पड़ता है, तो ये इसका मेन कारण है। जैसे कि आपने अपनी वीडियो में स्टार्टिंग में ही कहा कि जो आत्मज्ञान और सक्सेसफुल लाइफ दोनों को बैलेंस किया जा सकता है, 100%। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि अगर इंसान आत्मज्ञान की तरफ चले तो उसको सक्सेस भी भौतिक दुनिया में जो जिसको सक्सेस की परिभाषा कही गई है वो उसको प्राप्त हो सकती है 100%, आत्मज्ञान से? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। देखिए, आत्मज्ञान होने के बाद तो हर चीज की रिद्धि सिद्धि भी मिल सकती है, तो ये भौतिक चीजें तो बड़ी आराम से मिल सकती है, लेकिन आत्मज्ञानी उसके लिए संकल्प नहीं करता कि मुझे रिद्धि सिद्धि मिले। लेकिन ये भौतिक चीजों का ज्ञान, उसके लिए आपका माइंड शार्प हो जाता है, आपकी ग्रेस्पिंग पावर बढ़ जाती है, आपका मन शांत रहने लग जाता है, ये आपको पॉजिटिव फैक्टर आपकी आत्मा को एक हेल्प करते हैं। आपका माइंड स्टेबल होना है और आपकी कोई भी पढ़ाई पढ़े उसके अंदर, जैसे बापूजी ने कहा आत्मस्वरूप पर रहो, तो वो चीजें आपके अंदर छप जाती है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। आपको अब मैं आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए इंसान को भौतिक दुनिया में रहते हुए अपने सभी कर्म करते हुए उसको क्या पुरुषार्थ करना चाहिए आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए? देखिए, बहुत सरल बात है, कोई स्पेशल पुरुषार्थ नहीं है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि कर्मयोगी जीवन जीना है और दूसरा अपने जीवन का लक्ष्य कभी नहीं भूलना। ये दो बहुत चीजें सही बहुत कहा। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम अपने लक्ष्य को याद रखेंगे तो वो लक्ष्य ही हमें पावर दिलाएगा, वही लक्ष्य हमारे अंदर पावर लाता ही रहेगा, इनफाइनाइट जहां भी हम रुके वो हमें याद दिलाएगा। तो जब तक लक्ष्य याद रहेगा तब तक लक्षण आते ही रहेंगे, पावर आती ही रहेगी और हम लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन अगर लक्ष्य भूल गए तो फिर सब कुछ भूल गए, ये जी बहुत बड़ी बात है। बहुत सही कहा आपने कि आत्मज्ञान हमें प्राप्त करते हुए अगर हमारा लक्ष्य श्रेष्ठ है तो हमारे अंदर लक्षण भी श्रेष्ठ ही आएंगे और हम भौतिक दुनिया में और जो बापूजी इनफाइनाइट दुनिया की बात करते हैं उसके अंदर भी हमें सक्सेस ही मिलेगी। तो बस इसी से मैं ये वीडियो का अंत करती हूँ। मैं जितने भी हमारे श्रोताओं हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि बापूजी के चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहे। बेहद की परम शांति। बेहद की प्रशंसा।